आर्थिक रूप से पिछड़े समान वर्ग के लिए एक बड़ी छूट मिलने वाली है। सरकार अब समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देने के बाद सरकार उन्हें सरकारी नौकरियों में उम्र की छूट भी देने जा रही है और यह ओबीसी के समान ही करीब 3 साल की होगी। दरअसल सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक मंत्रालय को फिर से चिट्ठी लिखकर इस पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है। सभी सरकारी नौकरियों में सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को ही उम्र में छूट मिलती है। जहां इसमें एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट मिली है, वहीं सामान्य को अभी तक कोई छूट नहीं मिली है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सरकार जल्द इस पर निर्णय ले सकती है। वैसे भी बिहार में जिस तरह से ये मांग प्रभावी रूप से उठ रही है, उससे ये संभव है कि इसका निर्णय जल्द ही होने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल ये मांग समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण दिए जाने के बाद से ही उठने लगी थी, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण का सही लाभ तभी मिलेगा जब एससी एसटी और ओबीसी की तरह ही सरकारी नौकरियों में सामान्य को भी उम्र की छूट दी जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का कहना है कि इसे लेकर नए साल की शुरुआत में ही कार्मिक मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया था। सूत्र बताते हैं कि हाल ही में कार्मिक मंत्रालय की ओर से निर्णय में देरी हुई और इसलिए फिर से इसका स्मरण कराया गया है। गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में उम्र में 3 साल की छूट का ये फार्मूला ओबीसी को दी गई छूट से ही निकला है, जिसमें दोनों की आय सीमा 1 बराबर यानी 8 लाख ही रखी गई है। गौरतलब है कि सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का यह फैसला जनवरी 2019 के आम चुनाव से पहले लिया था। गरीब सवर्णों को आरक्षण के साथ ही सरकारी नौकरियों में उम्र की छूट का मुद्दा बुधवार को राज्यसभा में भी उठा। बिहार से भाजपा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने शून्यकाल के दौरान इसे प्रमुखता से उठाया, साथ ही मांग रखी कि गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में उम्र छूट दी जाए, साथ ही शुल्क में भी रियायत दी जाए। वैसे भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसे में जल्दी सरकार इस पर फैसला ले सकती है। दोस्तों, इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस खबर को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।